सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 ऐसी नेटफ्लिक्स की मूवीज के बारे में जो कि हमें पूरी इंडियन मूवीज देखने को मिल जाती है जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 2021 में। वैसे तो इंडिया में आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, लेकिन इन सभी वेब सीरीज में से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ऐसी कुछ 10 मूवीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मूवीज और वेब सीरीज से रिलेटेड बातें जानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पगलेती मूवी के बारे में, जिसको IMDb ने 6.9 की रेटिंग दे रखी है। ये एक हमें ब्लैक कॉमेडी ड्रामा मूवी देखने को मिल जाती है, जिसका रन टाइम हमें देखने को मिलता है लगभग 1 घंटा 55 मिनट का। इस मूवी में हमें एक विधवा की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अपने शादी के 3 से 4 महीने के बाद ही वो विधवा हो जाती है। और जो इंसान मरता है उसका नाम होता है अक्षित, और उसी के ऊपर ये पूरी फैमिली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। और ये विधवा यानी कि और अक्षित के बीच में कभी भी कुछ क्लोज रिलेशन ना आने के कारण वो उसके साथ इमोशनली उतना ज्यादा अटैच नहीं हो पाती है जितना कि नॉर्मली लोग अपने हस्बैंड से होते हैं। उसी के चले जाने के बाद उसके लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन वो कुछ फनी वेज में हमें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। वैसे तो ये मूवी देखने में बहुत ही ज्यादा कॉमेडी हमें देखने को मिलती है, और साथ ही साथ कुछ इश्यूज के ऊपर भी ये मूवी हमें फोकस होते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये मूवी आप एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर 6.9 IMDb रेटिंग। जब लड़की लोग को अकल आती है ना सब उन्हें पगले है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक फैमिली ड्रामा मूवी के बारे में, जिसका नाम है त्रिभाग्य, जिसको IMDb ने 6.1 की रेटिंग दे रखी है। ये मूवी हमारे सामने आ गई थी 15th of January 2021 को। ये एक ट्रायंगुलर फैमिली ड्रामा मूवी हमें देखने को मिल जाती है, जिसको लिखा है रेणुका शाहने ने। और इस मूवी की स्टोरी उनके ही लाइफ से इंस्पायर्ड होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। और इस मूवी में हमें काजोल का डेब्यू रोल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑन नेटफ्लिक्स। इस मूवी की स्टोरी हमें 3 वुमन के इर्द घूमती हुई यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिनके खुद के ही अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। इस मूवी में हमें एक परफेक्ट महाराष्ट्रीयन फैमिली भी यहाँ पे देखने को मिलती है, और इस मूवी में हमें कुछ मराठी डायलॉग्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी फैमिली फ्रेंडली मूवी हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर 2021 में देखने को मिल गई थी, जो कि आप अपने फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल गई थी 26th of February 2021 को। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म हमें देखने को मिल जाती है, जो कि बेस्ड है एक नॉवेल के ऊपर, उसी का नाम भी है द गर्ल ऑन अ ट्रेन। इस मूवी में हमें परिणीति चोपड़ा एक अल्कोहलिक डिवोर्सी वुमन के रूप में देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा होता है। इस मूवी का रन टाइम हमें 2 घंटे का देखने को मिलता है, लेकिन ये मूवी 2 घंटा वर्थ भी करती है इस मूवी को देखने के लिए। तो इस मूवी को आप जरूर से जरूर देख लेना नेटफ्लिक्स के ऊपर। बीते हुए कल से कुछ वक्त खोसा गया है। तो चलिए मिस्ट्री थ्रिलर के बाद आगे बढ़ते हैं कॉमेडी हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम है रूही, जिसको डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने। और ये मूवी हमारे सामने आ गए थे 11th ऑफ मार्च 2021 को। ये मूवी हमको स्त्री मूवी की याद दिला देती है। इस मूवी में हमें भूत की स्टोरी देखने को मिल जाती है, जो कि हनीमून के वक्त दुल्हनों का अपहरण कर लेती है। इस मूवी में हमें राजकुमार राव, जानवी कपूर और वरुण कुमार देखने को मिलते हैं। इन तीनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही कॉमेडी से भरी पूरी हमें देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ जो राजकुमार राव की जो एक्टिंग है वो तो उसमें 4 चांद लगा देती है। मैं टोटला नहीं हूँ, मैं बस टाकू टाक बोलता हूँ। तगड़ सिंह ने टंग होके तगड़ी कमर पे तगड़ी बांध के टांग तगाई, अटकता नहीं एकदम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक साउथ की मूवी की, जिसका नाम है वाइल्ड डॉग। ये एक एक्शन थ्रिलर तेलुगु मूवी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हिंदी में डब अवेलेबल है। इस मूवी में हमें वेरियस टेरर एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उनमें से कुछ कुछ तो रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गोकुल चाट बॉम्ब ब्लास्ट, जो कि हमें देखने को मिल गया था 2007 में हैदराबाद में। ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 15th of August 2007 में, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई थी 2 बॉम्ब ब्लास्ट में, और 2 बॉम्ब को सक्सेसफुली डिफ्यूज कर दिया गया था इन हैदराबाद सिटी। इसके बारे में भी बहुत ही अच्छा एक सिनेमैटिक वर्जन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस मूवी को भी आप नेटफ्लिक्स के ऊपर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अजीब दास्ता मूवी के बारे में। ये एक एंटोलॉजी मूवी हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 4 सेगमेंट में 4 स्टोरीज देखने को मिल जाती है, और इन सभी के कंसेप्ट हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बट ये चारों की चारों स्टोरीज हमें एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस देती है। इस मूवी
मूवी का टोटल रन टाइम हमें 142 मिनट का देखने को मिलता है, जो कि कट होके कुछ हमें 130 मिनट के आसपास ये देखने को मिल जाती है। तो इस मूवी को भी आप एंजॉय कर सकते हो विद 4 सेगमेंट। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे नजर मिलाने की? हम तो पूरे देश की भाभी हैं। विजय सही है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वन ऑफ द पॉपुलर मूवी के में से एक, जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर, जिसको IMDb ने 7.7 की रेटिंग दे रखी है। और इस मूवी का रन टाइम हमें 125 मिनट का देखने को मिल जाता है। इस मूवी में हमें एक ड्राइवर की स्टोरी देखने को मिल जाती है, जो कि गरीबी से बचने के लिए खूब सारी चालाकी करता है। इस मूवी में हमें राजकुमार राव के साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा भी देखने को मिल जाती है। और इसमें एक न्यू एक्टर को डायरेक्ट लीड रोल दे रखा है, और उनकी जो एक्टिंग की जो तारीफ है वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने भी यहाँ पे कर रखी है, जिनका नाम है आदर्श गौरव। और ये मूवी भी हमें एक नॉवेल के ऊपर बेस देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के बारे में, जिसका नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर। ये मूवी हमारे सामने आ गई थी 21 जनवरी 2021 को। इस मूवी का पूरा शूट हमें लखनऊ में होता हुआ देखने को मिल गया था। और यहाँ पे एक टिपिकल जो इंडियन पॉलिटिक्स होती है वो किस तरीके से वर्क करती है लोकली, वो भी हमें यहाँ पे जानने का पूरा पूरा मौका ये मूवी देती है। इस मूवी के ऊपर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हो गई थी, जिसके लिए ऋचा चड्ढा ने माफी भी मांगी थी। और इस मूवी में ऋचा चड्ढा की एक्टिंग हमें एक नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाती है। तो इस मूवी को भी आप एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर। जब अपनों का समर्थन खोने लगो तो पद त्याग देने में ही भलाई। तो वीडियो के लास्ट दो मूवी के बारे में बात करने से पहले, अब तक ये वीडियो आपको पसंद आ गया तो जरूर इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मूवीज से रिलेटेड और वेब सीरीज से रिलेटेड बातें जानने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कैटर गर्ल मूवी के बारे में, जो कि हमें देखने को मिल गई थी 11 जून 2021 को। ये मूवी हमें इंडियन रूरल एरिया के ऊपर बेस में देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है किस तरीके से बच्चों को एक अच्छा रूट दिया जाए तो वो किस तरीके के अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ में करेज और कॉन्फिडेंस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी ये मूवी हमें देखने को मिल जाती है। वैसे तो ये स्टोरी हमें देखने को मिल जाती है राजस्थान के एक गर्ल की और वहाँ के कुछ छोटे छोटे बच्चों की। तो इस स्टोरी को भी आप जरूर से जरूर एंजॉय कर लेना, और ये बहुत ही ज्यादा वर्थ इट मूवी हमें देखने को मिल जाती है। डेटिंग ही तो लाइफ में एक अच्छी चीज हुई। लड़कों को स्केटिंग में इतना क्या अच्छा लगता है? लगता है कुछ ऐसा है जो कोई रोक टोक नहीं है। तो चलिए वीडियो के लास्ट मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो की लास्ट मूवी है TNF। एक हमें लव ड्रामा मूवी देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलती है एक कपल की कहानी, जिसका नाम है वरुण और सिया, जिनके रिलेशनशिप के कुछ अलग ही रूल हमें देखने को मिल जाते हैं। वो सिर्फ रिलेशनशिप में होते हैं ट्यूजडे और फ्राइडे को, ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी रिलेशनशिप इस मूवी में हमें देखने को मिल जाती है। तो इस मूवी को भी आप एंजॉय कर सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर। कब आएगा मुआ? मंगलवार मैरी है मॉम, मुझे अभी शादी, बेटा मैं शादी कर रही हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया तो जरूर इसको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा और एक नई वीडियो में।